देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई। लाल किले से भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल पर भी बयान दे दिया। पीएम मोदी का ये बयान सुनकर सब हैरान थे। आपको याद दिला दें कि पिछले एक साल में भारत ने कई बार ब्रह्मोस मिसाइल के कई वेरिएंट्स का सफल परीक्षण किया। भारत ने जमीन, आकाश और समंदर से ब्रह्मोस मिसाइल दागने में सफलता हासिल की। और अब इसी ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है तो हर हिंदुस्तानी का मन आसमान को छूता है। आइए आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनवाते हैं। आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। आपको बता दें कि दुनिया के कई देश अब भारतीय हथियारों की धाक मान रहे हैं। हाल ही में चीन के कई पड़ोसी देशों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। फिलीपींस वो पहला देश बन चुका है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी। अब इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट खरीदने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों ही देशों का विवाद चीन के साथ चल रहा है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी चीन से परेशान है। अब ये देश भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। ये सभी देश दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं और अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।